मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? ब्लैकमेल किया है तुम्हारे भाई ने उस दुकानदार के मालिक को। पहले पहले घबरा गया, परेशान हो गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब तुम्हारे अब्बा को पता चला ना, वो उससे ज्यादा परेशान। मेरी तो समझ से बाहर है कि सरमद भाई को हो क्या जाता है। उनको इस बात का पता भी है कि अबू की रोजगार का मामला है, फिर भी ब्लैकमेल करने की जरूरत क्या पड़ गई? आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो अच्छा हुआ तुम कमरे से बाहर आ गई, कब तक कोई अपने कमरे में बैठा रहता है अकेला। भाभी, क्या मैं आपको भाभी कह सकती हूँ ना? हाँ, लेकिन सरमद ने किसको ब्लैकमेल किया है? अभी मैंने आप दोनों की बातें सुनी है, क्या छुपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और आप लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ, खास तौर पे अगर कोई चीज़ सरमद से रिलेटेड है तो। आंटी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप मुझे बताएं। अम्मी, वो काशिफ स्कूल से आने वाला होगा, तो मैं किचन में जाके ना उसके खाने का बंदोबस्त करके आती हूँ, ठीक है ना? आंटी, आप कुछ छुपाना चाह रही हैं ना मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुमने सरमद से शादी की है तो जाहिर सी बात है एक दूसरे को जाना होगा, परखा होगा, और मेरे से ज्यादा तुम उसकी फितरत से वाकिफ हो। असल फितरत मतलब?